अनन्या चतुर्वेदी और इधर रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नई दिल्ली से। आपको बता दें कि सेना से रिटायर मेडिकल स्टाफ की होगी तैनाती। सीडीएस रावत ने पीएम मोदी को दी जानकारी। कोविड केयर सेंटर में ली जाएगी डॉक्टरों की सेवाएं। देश में बढ़ते कोरोना को लेकर यह फैसला लिया गया है कि सेना से रिटायर मेडिकल स्टाफ को तैनात किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सीडीएस रावत ने पीएम मोदी को दी जानकारी। साथ ही कोविड केयर सेंटर में इनकी सेवाएं ली जाएंगी, यानी कि डॉक्टर की सेवाएं अब जो हैं कोविड केयर सेंटर में ली जाएंगी। रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ को वापस तैनात किया जाएगा। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और ऐसे में बिगड़ते हालातों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सीडीएस रावत ने पीएम मोदी को इसकी जानकारी दी है। तो वहीं बता दें आपको कि कोविड केयर सेंटर में डॉक्टरों से सेवाएं ली जाएंगी। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दीपेश जैन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपेश, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर सेना से रिटायर मेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की जाएगी अब। बिल्कुल अनन्या, बताना चाहेंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को महामारी से निपटने के लिए सेना की जो भूमिका है, जो तैयारियां हैं या जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनकी जानकारी दी। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि इंडियन एयरफोर्स के जो कार्गो एयरक्राफ्ट हैं वो देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन सप्लाई में मदद कर रहे हैं, जैसे कि इंदौर और भोपाल में जो सेना के विमान हैं वो खाली टैंकर जामनगर तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद जामनगर से ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे हुए टैंकर जो है भरे हुए आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला कल हुआ है वो ये हुआ है कि बीते दो साल में जो रिटायर्ड हुए हैं सेना से डॉक्टर या जो मेडिकल स्टाफ और इसके अलावा जिन्होंने पहले प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लिया यानी रिटायर्ड होने से पहले जो सेवा छोड़ गए उनको भी अब मेडिकल कर्मचारियों को जो है सेवा देने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। इनकी तैनाती दो तरह से की जाएगी, या तो इन्हें कोविड सेंटर में तैनात किया जा सकता है या फिर ये जहां रहते हैं जिस इलाके में रहते हैं वहीं पर उनसे सेवा देने को कहा गया है। यानी कोई दूरस्थ इलाके में वहां कोविड सेंटर नहीं है तो जो पास का जो भी डिस्पेंसरी हो या जो भी जिस तरीके से भी वो वहां पर मदद कर सकते, तो ये साफ तौर पर अब आदेश होगा इन तमाम रिटायर्ड सेना के मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, यानी उनको ये काम करना ही होगा। इसके साथ ही कमांड को डिवीजन, नौसेना और वायुसेना के समान मुख्यालयों में तैनात सभी मेडिकल अफसर अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे। यानी बड़ी मदद अब सेना की ओर से मिलने वाली है। जो डॉक्टरों की कमी, जो मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहे थे तमाम कोविड सेंटर या अस्पताल, तो वो काफी हद तक दूर हो सकती है। तो एक बड़ा फैसला है और जाहिर सी बात है कि सेना के जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल स्टाफ होते हैं, वो बेहद अनुशासित होते हैं और बहुत गंभीरता से, हालांकि सभी डॉक्टर्स करते हैं लेकिन सेना का जो अनुशासन है वो यहाँ पर अब काम आएगा। और अब देखना है कि कितना जल्दी इनकी तैनाती होती है और किस तरीके से जो मेडिकल स्टाफ या जो अस्पतालों को जो कमी खल रही थी वो अब दूर हो पाती है। लेकिन ये बड़ा फैसला है, सेना के दो साल में जो रिटायर्ड जितने भी मेडिकल स्टाफ के डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है उन सभी को अब वापस बुलाया जा रहा है। जी दिवेश, कोरोना की जंग में जो है सेना के जवान भी अब कह सकते हैं रणभूमि में आ गए हैं, और ऐसे में क्या लगता है कि अब और आगे क्या सेवाएं मिल सकती हैं सेना से और क्या कुछ आगे मदद मिल सकती है? देखिए, सेना तो लगातार अनन्या मदद कर ही रही है, चाहे अपने जो सेना के जो हॉस्पिटल्स हैं जिनमें केवल जवानों का इलाज होता था या उनके परिवार वालों को गंभीर स्थिति में लाया जाता था, अब वो आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। इसके अलावा हमने देखा कि विमान के जरिए जो बड़े बड़े मालवाहक विमान हैं उनके जरिए खाली ऑक्सीजन के सिलेंडर टैंकर जो है पहुंचाए जा रहे हैं जामनगर या बोकारो पहुंचाए जा रहे हैं झारखंड के या भिलाई ले जाए जा रहे हैं। तो ये, और ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं, ये देश के कई राज्यों में सेना अपनी इसी तरीके से सेवाएं दे रही है। अस्पताल खोल दिए गए, हमने देखा कि भोपाल में जो अस्पताल बना सेना की मदद से बना है, डीआरडीओ रक्षा संस्थान जो है वो बीना रिफाइनरी में अस्थायी अस्पताल बना रहा है। इसके अलावा सेना के अधिकारियों ने मुलाकात की थी सीएम शिवराज से, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने चर्चा की। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे मदद मांगी जा रही है आर्मी बिल्कुल तत्पर रहती है और एक कदम भी बिल्कुल पीछे नहीं, जैसा कि हमारी सेना करती है, हमेशा कदम आगे बढ़ाती है। और इसीलिए जहाँ जितनी संभव है मदद उतनी की जा रही है। अस्पताल खोल दिए गए हैं आम लोगों के लिए, मेडिकल स्टाफ भी अब सपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई में सेना सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। और इसके अलावा हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी अब मुश्किलें सामने आएंगी सेना को ही, देखिए आखिरी जो हमारा ब्रह्मास्त्र है वो सेना ही होता है और इसीलिए आर्मी
पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है देशवासियों को, और हमें लगता है कि अगर संकट ऐसे ही बरकरार रहा तो आर्मी की मदद भी ली जाएगी। कई विपक्षी दल कह रहे हैं कि अब आर्मी के हवाले तमाम व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए, तो हालांकि हमें अभी अपने जो लोकल स्टाफ जो प्रशासन है उस पर भरोसा रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए, लेकिन अगर इसी तरीके से हालात बिगड़ते गए तो फिर उसी तरीके से सेना भूमिका में नजर आ सकती है जिसकी दरकार है। अनन्या, बिल्कुल धन्यवाद दीपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त नई दिल्ली से, जहां पर कोविड केयर सेंटर जो है इनमें अब सेना के रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी और इसके लिए सीडीएस रावत ने पीएम मोदी को इसकी जानकारी दे दी है। साथ ही कोविड केयर सेंटर में इन डॉक्टरों की सेवाएं ली जाएंगी।